मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो सुबह के अभी बज रहे हैं 9:45, तो 9:45 हो रहे हैं अभी। और जस्ट मैं अभी नहाकर आई हूँ, चाय बनने लगती हूँ मैंने मॉर्निंग की। सो चाय बन रही है एंड हस्बैंड अभी सो रहे हैं, तो चाय बनाने के बाद ही मैं उनको जगा देती हूँ, जिससे कि वो फ्रेश व्रेश होकर नहा धोकर फ्री हो जाते हैं चाय पीने के बाद। और आज थोड़ा सा मौसम बादल हो रहे हैं एंड थोड़ी सी धूप निकल रही, कभी बादल हो रहा है तो हो सकता है एक दो दिन में बारिश हो। बारिश वाला मौसम बन रहा है एक्चुअली, आप देख सकते हो अभी बादल थे बट अब हल्की हल्की सी धूप निकल रही है। मैंने सोचा मैं कैमरा ऑन करती हूँ, इतने में धूप निकलने लगी, तो हो सकता है एक दो दिन में बारिश हो, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो थोड़ी बारिश हो जानी चाहिए। सो चलिए अंदर चलते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं एंड फिर देखते हैं आगे का क्या करते हैं। तो अभी तो 10 बजने वाले हैं, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हमेशा मैं गेट को बंद करके रखती हूँ क्योंकि मक्खी मच्छर कुछ घर में ना आए। तो चलिए इस रूम की लाइट भी ऑफ कर देती हूँ, फालतू में लाइट नहीं जलानी चाहिए। यस, और चलिए हस्बैंड को जगा दूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। और चलिए अभी चाय बनती है तो मैं हस्बैंड को जगाती हूँ, दैन में फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर। उड़ गए मेरी आवाज़ सुन के, तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कैसे हैं आप लोग? और सुबह मॉर्निंग में मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था बट अभी मैं आफ्टरनून से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में जब मैं उठी थी उसके बाद मैंने चाय वाय पी, नाश्ता किया, फिर सीधे खाना बनाना शुरू किया। थोड़ी सी क्लिपली होगी मैंने कुकिंग की। एक्चुअली ना इतनी ज़्यादा गर्मी में खाना बनाओ शूटिंग करो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और किचन इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो फिर कहाँ कैमरे को होल्ड करो, स्टैंड को लगाओ। बट कभी कभी तो मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन अब बहुत, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आज मैंने हेयर वॉश किया था गीले बालों को, फिर मैंने अपने बालों को जूड़ा लगा कर खाना बनाया, उसके बाद अभी मैंने खोले अपने बाल। एंड हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, सो अभी बैठी हुई हूँ मैं, फ्री थी तो बस ऐसे ही सोचा कि थोड़ा सा काम था, कपड़े वपड़े जो धुले हुए मुझे बालकनी में लगाने थे वो मैंने लगा दिए, शाम तक सूख जाएंगे। उसके बाद जो भी किचन उचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं अपनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ खाली टाइम में, तो यार बस आप लोगों से बातें कर लो, दिन ही बन जाता है। कैमरा थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। ओके, कुछ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मुझे कमेंट आ रहे थे कि आरती जी आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो कर रही है एंड आपके हेयर भी बहुत अच्छे हैं। गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कुछ स्पेशल चीज़ तो नहीं ट्राई कर रही हूँ, और कुछ इस टाइम पे ना मैं अपने स्किन एंड हेयर का अच्छे से केयर भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो हम लोग घर गए हुए थे, तो चार लोग आते हैं चार जाते हैं, छः आ रहे हैं छः जा रहे हैं, तो इस टाइप में ना कि बालों की और हेयर की मतलब स्किन की अच्छे से केयर नहीं हो पाई थी, तो मेरे बाल काफ़ी हेयरफॉल हो रहा है मुझे। और यहाँ पर आने के बाद भी एक्चुअली मैं अच्छे से अपने बालों की केयर नहीं कर पा रही हूँ। कुछ चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई, तो मैं उसको परचेज़ भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कोई आती रहता। जो भी कुछ भी मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूँगी आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप भी वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जिससे कि मैं हेयर वॉश करने से पहले बालों में ऑयलिंग करती, एक दो दिन पहले भी नहीं करती मैं, सिर्फ कुछ घंटे एक घंटे पहले कर लेती हूँ। जो मेरा रूटीन होगा वो भी मैं आप लोगों को उस वीडियो में बता दूँगी, और जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो चीज़ें भी मैं उस वीडियो में बता दूँगी। वो वीडियो मैं एक दो दिन में या फिर एक हफ्ते के अंदर मैं वीडियो अपलोड वीडियो रिकॉर्ड करके और फिर मैं अपलोड कर दूँगी, जिससे कि आपको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ यार कि अपने पैरों की नेल पेंट थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ, ये वाला कलर लगा रखा है, बहुत दिन से थोड़ी सी बोर हो गई हूँ, मैं सोच रही हूँ चेंज कर लेती हूँ।
और खाना हम लोगों ने खा लिया है। हस्बैंड जब गए थे सो दोपहर मैंने लंच में बनाया था कटहल की सब्जी और रोटियां एंड मीठा दही बस ये और सैलेड यही सारी चीज़। और चटनी भी की थी आज मैंने पुदीने की, बड़ा मन हो रहा था पुदीने की चटनी खाने का। एक्चुअली मुझे चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो मुझे चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये था हमारा लंच। और डिनर में मैंने बनाया था, एक्चुअली हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो खाना पैक करके देना पड़ता है, सो मैंने अरबी की सब्जी बनाई थी और कटहल दोनों सब्जियां मैंने उनको पैक करके दे दी थी और दही भी दे दिया और ऑफिस के लिए पराठे बना दिए थे। तो ये था उनका डिनर हो गया और आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है। तो बस शाम को मैं अपने ही बना लूँगी रोटियाँ पराठे जो मुझे चाहिए होगा, जब मेरा मन होगा वो मैं बना के खा लूँगी। और उसके बाद आज कच्चा आम भी रखा हुआ है, कल हस्बैंड सब्जी लेकर आए थे तो कच्चा आम लेकर आए थे आधा किलो और बोल रहे थे कि तुम लौंजी बना देना उसकी, बट मैंने अभी लौंजी नहीं बनाई। एक्चुअली ना घर में गुड़ नहीं है और जो लौंजी बनती है ना वो गुड़ के साथ बनाओ तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। अगर शुगर से बनाओगे ना आप तो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है, और जब उसमें गुड़ डाल देते हैं ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। सो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को बना दूँगी, मार्केट से मैं गुड़ लेकर आ जाऊँगी, ये सारी चीज़ें हैं। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं इस हफ्ते आम का अचार भी डालूँ, क्योंकि एक्चुअली यार मुझे हाथ का डाला हुआ घर का बना हुआ अचार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मार्केट की हम बात करें तो मुझे मार्केट का अचार वही है ना, मजबूरी में खा तो लेते हैं, हर सीज़न में नहीं डाल पाते, बट मुझे हाथ का अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी डालती थी मेरे घर पे जब मैं अपने घर थी मायके में, तब मेरी मम्मा इतना ढेरे सारा अचार डालती थी, आप यकीन करोगे 20 25 30 किलो के आम के अचार स्टोर करके रखते थे बड़े वाले बॉक्स में। एंड दीदी हम सबको मतलब दे देते थे अचार, दीदी को भी देते थे और फिर हम लोग घर में खाते थे, बहुत सारा अचार खाते थे। और मुझे आम का अचार बहुत पसंद है और मेरे छोटे वाले भाई को भी आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यार आम का अचार खाने का बड़ा मन हो रहा है, तो मैंने हस्बैंड को बोला कल आम का अचार लेकर आए थे, तो मैंने बोला कि आप अचार वाले को बोलना कि वो कट करके, क्योंकि बड़े शहरों में यार कौन कट करेगा घर पे, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में तो यार वो खुद कट करके दे देते हैं। सो हम लोग उससे कट करा के लेकर आएंगे, देन उसके बाद मैं अचार डाल दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अचार की रेसिपी दिखाऊं सो मैं अचार डालूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आम का अचार की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो मैं थोड़ा सा 2 किलो का अचार या फिर 2.5 किलो का अचार ला कर डाल दूंगी। और आपको पता है यहाँ पे दिल्ली में कच्चा आम कितना महंगा मिल रहा है, 60 रुपये किलो या फिर 70 रुपये किलो अचार मिल आम सॉरी अचार नहीं कच्चा आम मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। हमारे घर के साइड तो मुश्किल से 20-30 रुपये किलो आम कच्चे आम मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डबल रेट से भी ज़्यादा अचार मतलब सॉरी यार मेरे मुझसे अचार अचार निकल रहा है कच्चा आम मिल जाता है। यस तो अभी मैं बुक लेकर बैठी हुई थी, ऐसी मैं सोच रही थी कि ग्रोसरी की लिस्ट बना लेती हूँ कि घर में क्या क्या चीज़ें हैं, देख लेती इस बार थोड़ा सा क्या बोलते घर का राशन ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम एक महीने पूरा सामान स्टोर कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें बची आती हैं ना, तो इतना ज़्यादा नहीं आने वाला घर का सारा सामान। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं लिस्ट अभी बनाऊँ या फिर शाम को बनाऊँ, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी बनाऊँ या शाम को लिस्ट बनाऊँ, क्योंकि ना सारा सामान मुझे चेक करना पड़ेगा उसके बाद मुझे सामान लिखना पड़ेगा कि क्या क्या आना है। और बाथरूम का तो कुछ भी नहीं आना है सामान, क्योंकि सब कुछ रखा हुआ है कुछ भी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैक लेकर आए थे वो सब कुछ आधा आधा यूज़ हुआ है। और कपड़े धोना साबुन सर्फ नहाना बॉडी वॉश फेस वॉश सब कुछ रखा हुआ है, आई थिंक फेस वॉश तो आएगा मेरा, बाकी शैम्पू एंड वॉश सब कुछ रखा हुआ है। सो एक बार चेक करने के बाद सोच रही हूँ यार शाम को ही कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं यार सारे दिन ऐसे ही हो जाता है। और चलिए फिर मैं अभी नहीं क्या बोलते हैं अभी चेक नहीं करती सारा सामान, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद शाम को मैं चेक करके लिस्ट बना लूँगी, तो इजी रहेगा मेरे लिए। और वैसे भी ये पूरा मंडे टू फ्राइडे तो हम लोग को मार्केट जाना नहीं है, एक्चुअली हम लोग इजी डे जो होता है ना घर के पास ही जस्ट पास है इजी डे, तो हम वहाँ से अपने घर की सारी ग्रोसरी वगैरह ले लेते हैं, नहीं तो फिर बिग बाज़ार जाना होता है तो बिग बाज़ार से ले लेते हैं। सो बस यही सारी चीज़ें हैं। और तो मैंने आपको बताया कि अब मैं अपनी
हेयर के लिए और अपने फेस के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, बहुत ही दो या तीन चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो भी करती हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। सो अभी मैंने अपनी दो टिकटॉक की वीडियो बनाई हुई और वो मैंने अपलोड की है। आपको पता है मैंने परसों अकाउंट बनाया था टिकटॉक का और उस पर पता है कितने लाइक आ गए? आई थिंक मैंने 6-7 वीडियो डाल दी हैं तो उस पर मेरे आई थिंक 73 लाइक आ गए हैं। सो मुझे अच्छा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2000 भी आएंगे। और मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को उसकी आईडी भी नहीं दी है अभी, मतलब कि उनको शेयर भी नहीं किया, तो फिर अगर घर वालों को भी शेयर करूँगी तो थोड़ी सी लाइक ज़्यादा आ जाएंगे। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना क्या बोलते हैं हाँ तो मैं सोच रही थी अपना कि मैं यूट्यूब चैनल अपना एक और खोल लेती हूँ, जैसे कि मैं अपने ज्वेलरी मेकअप और कपड़े वगैरह जो मैं शॉपिंग करती हूँ वो उसी चैनल पे मैं एक मतलब उसका रिव्यू कर दिया करूँगी, और कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लेती हूँ उसका रिव्यू कर दूँगी उस चैनल पे। सो वो इस टाइप का चैनल बना दूँगी। ये चैनल तो चलने में आ नहीं रहा है, शायद वो चल जाए तो अच्छा है, और अगर वो चैनल चल जाएगा मेरा तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी ब्लॉगिंग करना, एंड या फिर वो चल जाएगा तो मैं बोल दूंगी कि मेरा ये चैनल भी इसको भी सब्सक्राइब कर दो तो शायद चल जाए, बट मैं अभी नहीं बनाऊंगी, 2-3 महीने बाद बनाऊंगी, क्योंकि 2-3 महीने बाद बनाऊंगी। और पता है आपको, मेरे हस्बैंड ने मुझे नया मोबाइल दिलाया है, तो मैं शायद मैंने आपको नहीं बताया कि अपने किसी भी ब्लॉग में, सो मेरे हस्बैंड ने मतलब बहुत ही प्यारा सा फ़ोन मुझे गिफ्ट किया है। और जब मैं घर से आई थी, जब पापा ख़त्म हो गए थे तो मैं घर से आई थी, उसके बाद मेरा पुराना वाला फ़ोन है ना उसने काम करना बंद कर दिया था, वीडियो शूट कर रही थी मतलब चल ही नहीं रहा था मेरा फ़ोन। सो फिर हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था अमेज़ोन से, तो मैं आपको दिखा दूँगी किसी भी वीडियो में, क्योंकि अभी तो एक ही फ़ोन है तो मैं उसकी क्लिप कैसे लूँगी, या फिर मैं इसी में डाल दूँगी थोड़ा सा, फिर इसके अगले वाली वीडियो में हस्बैंड जब घर पे होंगे तो मैं उसकी क्लिप ले लूँगी उनके फ़ोन से, फिर आपको दिखा दूँगी कि मेरा फ़ोन है कौन सा, बड़ा प्यारा सा है। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और या फ्रेंड, तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे और शाम हो रही है, अभी 7:15 हो रहे हैं शाम के, और ये है छत का व्यू। आज बहुत अच्छा लग रहा है छत पे, थोड़ी सी गर्मी कम है आज, सो यही सब है, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है।